एवरीवन, वेलकम टू निशीस फूड वर्ल्ड। तो आज हम बनाएंगे पालक के साथ कुछ हेल्दी, क्योंकि ठंड तो आ ही चुकी है। तो स्पिनेच या पालक के अंदर पनीर की स्टफिंग करके हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं हरियाली कबाब। तो हरियाली कबाब बनाने की हम शुरुआत कर लेते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए हरियाली कबाब बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, ये दो गड्डी पालक है और एक साइड मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है तो हमको इसको ब्लांच करना है। तो सारे पालक को हम इसमें एक एक करके ऐड कर देंगे। देखिए ऐसे नहीं होगा ना कि हम एक हाथ से डाल भी लें और दिखा भी लें। तो सारे पालक हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, मुश्किल से 2 मिनट हम इस पालक को पकाएंगे और फिर उसके बाद इस पालक को यहाँ पे देखिए, ये पानी मैंने बर्फ का पानी रखा हुआ है, एकदम चिल्ड वाटर है, इसको मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। और फिर क्यों इस ट्रांसफर करने से इसका जो रंग है वो एकदम ग्रीन रहता है, आपका रंग में कोई चेंज नहीं आता। फिर हम इसको पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे हम। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, यहाँ पे मैं 2 स्पून मुश्किल से मैंने ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो हम यहाँ पे जीरा डाल देंगे। अब ऑयल गर्म हो गया, यहाँ पे आधा चम्मच जीरा मैंने डाल दिया और जीरे के साथ ही साथ यहाँ पे 1/4 स्पून यहाँ पे मैंने भिजा हुआ अदरक डाल दिया है। अब इसको लेवर में चलाएंगे। ये देखिए अभी हो गया। यहाँ पे हम अपना पालक डाल देंगे। पालक डाल के इसको हम 2 मिनट हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पे पालक में ही हम यहाँ पे मैं आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दे रही हूँ। 1/4 स्पून काली मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया। अब हम इसको मिला लेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बस मुश्किल से इसको हमने 5 मिनट भूना है। देखिए अब मेरा ये हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये स्टफिंग के लिए मैंने करीब 1 कटोरी आपका पनीर लिया है, इसको मैंने हाथ से तोड़ दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, 1/4 स्पून कुटी लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स, 1/4 स्पून यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ, वो आपके अकॉर्डिंग है, आपको जो पसंद है आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं काजू और किशमिश ऐड कर रही हूँ, बादाम और किशमिश ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको मिला लेंगे और एक साइड हमारे जो बैटर है वो भी ठंडा हो चुका है, तो हम उसमें बाकी की चीज़ें भी डाल लेते हैं। ये देखिए हमारे पालक अभी ठंडा हो गया है। तब इसमें ये ग्रेटेड बॉयल किया हुआ आलू, करीब 1 कटोरी आलू मैंने लिया है, इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिला लेंगे। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच रोस्टेड बेसन डाल रही हूँ। ये रोस्टेड बेसन डालने से क्या होगा कि जो मॉइस्चर होगा वो बेसन आपका एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर आप इस टेस्ट कर लीजिएगा अगर नमक कम हो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा नमक यहाँ पे और डाल रही हूँ। अब हम इसके गोले बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब हम हरियाली कबाब बना लेते हैं। ये यहाँ पे मैं एक छोटी सी लोई मैंने ली है, ये देखिए लोई ली है मैंने। इसे आलू के पराठे के लिए हम भरते हैं, वैसे हम स्टफिंग कर लेंगे। ये स्टफिंग मैंने ली है, इसको बीच में ऐड कर दिया। ये देखिए एकदम परफेक्ट बन गया है। अब ऐसी बाकी सारी टिकिया भी हम बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने टिकिया बना के रेडी कर लिए। अब हम चल के अपने हरियाली कबाब को सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया है और इसमें तवा में मैं हल्का सा ऑयल लगा दे रही हूँ और अब एक एक करके हम अपने सारे कबाब को यहाँ पे रख देंगे।
तो यहाँ पे हमने सारे कबाब अपने रख दिए हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको एक तरफ करीब 4 मिनट के लिए पका लेंगे। अब देखिए ये एक तरफ से हमारा हो गया, अब हम इसको धीरे धीरे करके पलट लेंगे। देखिए एक तरफ से आपका हो गया, तब हम ऐसे सारा पलट के और इसको दूसरी तरफ से भी ऐसे ही पका लेंगे और फिर हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हरियाली कबाब बन के रेडी हो गया है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए कितनी बढ़िया स्टफिंग हुई है, ये देखिए आप, बहुत अच्छा लगता है, एकदम हेल्दी है आपका, एकदम लो ऑयल में आपका बन के रेडी हो गया। तो आप भी ऐसे ही बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।